हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे थे राज्यसभा। और राज्यसभा में हमने गठन पढ़ लिया था, कुछ और चीजें उस विषय पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान और राज्य सभा। राजस्थान का संबंध राज्यसभा से देखें तो राजस्थान एक राज्य है। कुल राज्य भारत में वर्तमान में 28 तो है राज्य, 8 है केंद्र शासित प्रदेश, दमन द्वीप को एक साथ मिलाने के बाद और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन के बाद 8 तो राज्य हैं और सॉरी 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। इनमें से राजस्थान भी एक क्या है, राज्य ही है। राजस्थान में यदि हम देखें राज्यसभा का कनेक्शन तो 10 सीटें राजस्थान की हैं। 10 सीटें राजस्थान से चुनकर जाती हैं कहां, राज्यसभा में। हमने कल पढ़ा था कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हैं। अधिकतम कितनी है, 250 सीटें हैं। वर्तमान में कितने हैं, 245। हमने पढ़ा था 4 सीटें कहां से आती हैं, संघ शासित प्रदेशों से, तो इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी आती हैं, 4 आती हैं। बाकी जो 249 है वो कहां से, 229 है वो कहां से आती है, 229 राज्यों से आती हैं और 12 यहां पर क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 229 राज्यों से और 12 क्या है, मनोनीत हैं। और ऐसे करके हमने 245 का आंकड़ा पार कर लिया है, या 245 होता है। इस 229 में से 10 सीटें राजस्थान को भी अलॉट हैं, यानी कि राजस्थान विधानसभा के जो एमएलए हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लॉन्ग लेसेड की बात करें तो ये कितने लोग चुनकर भेजते हैं, 10 लोग इसमें चुनकर भेजते हैं। विधायक महोदय राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुनकर भेजते हैं। अब पहला संबंध तो राजस्थान से राज्यसभा का ये हो गया। दूसरा, यदि राजस्थान विधानसभा ना हो, भंग हो जाए और राजस्थान के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा की परमिशन लेना केंद्र सरकार के लिए क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। तो दो तरीके से रिलेशन राज्यसभा का हमारे यहां से होता है। इसमें एक चीज और है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जो हैं, नायडू जी जो हैं उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के जो अध्यक्ष भी हैं, वे कहां से चुने गए हैं, राजस्थान से ही चुने गए हैं। अब दो चार सवाल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो, सॉरी राज्यसभा में राजस्थान से, राज्यसभा में राजस्थान से सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 हैं लोग, सॉरी राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 25। यहां से कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य आते हैं, तो 10 सदस्य आते हैं। राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य आते हैं, 25 सदस्य चुनकर आते हैं। दोनों जगह राजस्थान में 10, लोकसभा में 25। राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुनकर आते हैं, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। फिर से हम विस्तृत रूप में देखते हैं, राजस्थान से सदस्यों की संख्या की बात कर रहे हैं हम, किसमें, राज्य सभा में। तो राजस्थान से राज्यसभा में सीधे चुनकर विधानसभा के द्वारा
अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से 10 लोग जाते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू भी राजस्थान से ही हैं। 25 सांसद, जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, सांसद भी कहते हैं, 25 लोग चुनकर जाते हैं। श्रीमान ओम बिरला साहब जो कोटा से सांसद हैं, हनुमान बेनीवाल जी जो नागौर से सांसद हैं, वो इन्हीं 25 लोगों में से हैं। और ये सवाल आ जाए, संसद से कितने सदस्य राजस्थान में, संसद में कितने सदस्य राजस्थान से आते हैं, तो 35 मेंबर हमारे यहाँ से राज्यवर्धन सिंह जी जो राठौड़ हैं साहब हैं, वो भी राजस्थान से ही क्या है, सांसद हैं, विराट नगर से जीत कर आते हैं। अब इस आमेर से जीत कर आते हैं, सापरा जो क्षेत्र है वहां से जीत कर आते हैं। अब इसमें सवाल हम देखते हैं एक एक करके, लोकसभा में राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 25। राज्यसभा में राजस्थान से कितने सांसद निर्वाचित होते हैं, 10। कुल राजस्थान से या यूं कहें संसद में राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 35 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके बाद देखें राज्यसभा की अवधि, टाइम लिमिट। तो जन प्रतिनिधि अधिनियम, हम जानते हैं ये सब अधिनियम कौन लेके आता है, संसद ही लेकर आती है और संसद ही से पास करती है, क्योंकि मेन कार्य संसद का है कानून का निर्माण करना। संसद का मेन कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना, रूल रेगुलेशन डेवलपमेंट किसका काम है, राज्यसभा का काम है। तो संसद जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 आया, और इसमें राज्यसभा की जो अवधि थी वो कितनी अवधि कर दी गई, 6 वर्ष कर दी गई। ये 6 वर्ष कैसे है, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद पूरे हो जाते हैं, यानी कि निर्वाचन हो जाता है, यानी कि 1/3 का चुनाव, तिहाई का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में हो जाता है, 2 वर्ष यहां, 2 वर्ष यहां और 2 वर्ष यहां, टोटल 6 सालों में 100% सदस्य यहां के बदल जाते हैं। लोकसभा की अवधि कितनी है, 6 वर्ष की है, प्रत्येक सदस्य पूरा अपना 6 वर्ष का कार्यकाल करता है, लेकिन उसकी शर्तें अलग है, बीच में हटाया भी जा सकता है, क्या है क्या नहीं उस मामले में हम नहीं जाएंगे। हमारे पास सवाल आएगा लोकसभा की जो अवधि है, कार्य है, वो कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में यह तय किया गया था। कैसे चुनाव होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसका चुनाव होता है, 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं और नए चुन लिए जाते हैं। अब इसमें चुनाव कैसे होगा, यहां चुनाव हुआ तो यहां से यहां आने में इसके कितने वर्ष पूरे हो गए, 2 वर्ष पूरे हो गए, यहां से यहां आने में 4 वर्ष और यहां से यहां जाने में 6 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि कोई व्यक्ति 0 से आया वो इस जगह रहा, यानी कि फर्स्ट जो चुनाव हुआ उसमें उम्र उसकी कितनी हो गई, 2 साल का कार्यकाल उसका हो गया। फिर जब वो यहां आया दूसरे चुनाव में, नए यहां चुनकर आए, फिर ये यहां चले गए और ये यहां चले गए, तो एक सर्किल टाइप डेवलप हो रहा है। नए उम्मीदवार 0 से चुनकर आए, ये नेक्स्ट 2 साल बाद जब चुनाव होगा तो ये यहां आ चुके होंगे और कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चुनाव होगा तो इनकी जगह दूसरे आ जाएंगे, ये कहां चले जाएंगे, यहां, तो इनका कार्यकाल हो गया 4 वर्ष का। फिर नए आएंगे तो ये यहां आ जाएंगे, ये वाले यहां, और इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का। फिर नए आएंगे तो ये हो जाएंगे बाहर, और ये सर्किल चलता ही रहेगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और 1/3 सदस्य राज्यसभा से बाहर कर दिए जाते हैं, उनकी जगह नए ले लिए जाते हैं। इसमें निर्वाचित होने की कोई निश्चित अवधि नहीं है, इसमें निर्वाचन होने की कोई निश्चित अवधि नहीं है, कितनी भी बार हो सकते हैं। फिर से देखते हैं इसको,
राजस्थान राज्यसभा की बात करें तो राजस्थान से 10 तो राज्यसभा में जाते हैं, 25 लोकसभा में जाते हैं, संसद में टोटल सदस्य 35 जाते हैं। अवधि की बात करें तो राज्यसभा की अवधि कितने वर्ष की है, 6 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 51 में आया था उसका कार्यकाल, उससे कार्यकाल कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। उपराष्ट्रपति जी भी राजस्थान से ही हैं, हम जानते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदल दिए जाते हैं। इसमें आगे देखें राज्यसभा के पदाधिकारी, तो इसमें देखें भारत के जो उपराष्ट्रपति जी होंगे, आर्टिकल 64 कहता है कि ये पदेन अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष भी होंगे। तो आर्टिकल 64 कहता है भारत के जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वे स्वतः ही राज्यसभा के अध्यक्ष भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, राज्यसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, जबकि ये स्वतः ही चुनकर आते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसी भी व्यक्ति का चुनाव किसके रूप में होगा, उपराष्ट्रपति के रूप में होगा, और फिर वो स्वतः ही राज्यसभा के अध्यक्ष भी बना दिए जाते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पदेन अध्यक्ष की बात की थी। आर्टिकल 89 कहता है उपसभापति राज्यसभा अपना चुन लेगी और वे उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सभा का क्या करेंगे, नेतृत्व भी करेंगे। और ऐसी स्थिति में यानी कि जो उपसभापति है वे वो सारे काम करेंगे जो लोकसभा अध्यक्ष एक तरीके से करता है, कॉमन बैठक वगैरह धन विधेयक को छोड़कर। उपसभापति को राज्यसभा खुद ही चुनती है, उपसभापति को कौन चुनेगी, राज्यसभा स्वयं ही चुनती है, जबकि लोकसभा दोनों को, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो उपाध्यक्ष हो, दोनों ही लोकसभा खुद अपने में से ही चुनती है। श्रीमान ओम बिरला जी राजस्थान से 25 सांसदों में से एक हैं, वे सांसद के रूप में गए, बाद में उनका चुनाव किसके रूप में हुआ, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हुआ। राज्यसभा पदाधिकारी से सवाल आए तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसका उल्लेख 64 आर्टिकल में है, और जो भी उपराष्ट्रपति भारत सरकार बनेंगे वे स्वतः ही राज्यसभा के अध्यक्ष भी बना दिए जाएंगे। उपसभापति का चुनाव केवल राज्यसभा करती है, सभापति का चुनाव कभी भी राज्यसभा नहीं करती। और उपराष्ट्रपति के ना होने पर या अपने पद पर आसीन ना होने पर सभापति उपसभा अध्यक्ष हो जाते हैं या उपाध्यक्ष सभापति राज्यसभा होते हैं, और ये खुद राज्यसभा में से ही चुने जाते हैं। इसमें से हम आगे देखें तो राज्यसभा हमारा यहाँ होता है खत्म। अब राज्यसभा से सवाल क्या क्या बने, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। पहला सवाल बनेगा राज्यसभा पर टिप्पणी लिखें, राज्यसभा पर टिप्पणी लिखें, पहला सवाल तो हमारे यहां बनता है ये। दूसरा सवाल बनता है राजस्थान से राज्यसभा में कितने सांसद या सदस्य जाते हैं या चुने जाते हैं, राजस्थान से। फिर इसमें आ जाएगा संसद का सवाल, राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं, और कुल के बाद लोकसभा भी, यही लोकसभा भी पूछा जा सकता है। इसमें आगे आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा की अवधि, राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, ये तो बहुत बार बोर्ड ने भी पूछा है, कार्यकाल भी कह सकते हैं अवधि भी कह सकते हैं, और ये कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है
राज्यसभा के चुनाव को स्पष्ट कीजिए। याद रखना है अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय विधि, तरीका कौन सा है? अप्रत्यक्ष, गुप्त की जगह सदृश्य कर दिया है, सबको सामने प्रत्यक्ष कर दिया गया है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है आम जनता जिसमें भाग लेती है वो प्रत्यक्ष, आम जनता जिसमें भाग नहीं लेती वो सब अप्रत्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता पूछ सकता है, सदस्यों की योग्यता भी आपसे पूछ सकता है, राज्यसभा के कार्य भी पूछ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये याद रखना तुलना का सवाल बहुत बार आता है, किसकी? राज्यसभा और लोकसभा। ये सवाल सालों साल आ रहा है, जब 2010-11 से लगातार ये सिलेबस में बना हुआ है। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पुरानी किताबें खरीदी थी 10-11 की, वहां से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है आपके सिलेबस में, चाहे NCERT हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी माध्यम की किताबें हो, ये टॉपिक हमेशा आपके सिलेबस में रहा है और हमेशा सवाल यहां से आता रहा है। तो राज्यसभा और लोकसभा की तुलना हमेशा होती रही है। एक ऐसा सवाल भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार राज्यसभा इंपॉर्टेंट है लोकसभा से, या ऐसे समझ सकते हैं किस प्रकार लोकसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्यसभा से। तो दोनों की तुलना आपको आनी चाहिए, विरोध भी आना चाहिए, समानताएं भी आनी चाहिए। ये सवाल अगर आपने कर लिया बहुत अच्छे से तो यहां से सवाल गलत होने के चांसेस नहीं बचेंगे। सिंगल लाइन सवाल तो बहुत मेहनत करने से ही बैठेंगे, क्योंकि इसमें सारे आंकड़े हैं, सवाल कैसा पूछेगा, कोशिश पूरी है कि सवाल बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कौन बच्चा कितना डीपली पढ़ पाता है, जैसे ये पूछ लिया कि केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितने सदस्य आते हैं, 4, तो बच्चा ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंकड़ों का सिस्टम है। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है तभी सिंगल लाइन सवाल सही हो पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहां गलत नहीं हो सकता, बहुत सिंपल सवाल है। तुलना का सवाल आपको जरूर देखना है कि राज्यसभा के राइट्स कौन से हैं, लोकसभा के राइट्स क्या हैं, लोकसभा किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, यानी कि फोकस लोकसभा पे करना है, फिर राज्यसभा किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, ये भी फोकस किस पर करना है, फिर राज्यसभा पे करना है। यहां से अब आगे देखें लोकसभा, यहां राज्यसभा समाप्त और लोकसभा शुरू। तो लोकसभा का गठन का उल्लेख कौन से में आर्टिकल में है? 81 में। ये तो आपको जरूर जरूर याद रखना है, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा को हम निम्न सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन और जनप्रतिनिधि सदन भी कहते हैं, जनप्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि निम्न सदन इसलिए कहा गया, उच्च सदन का कारण मैंने बताया था सीनियर लोग वहां आते हैं, इसमें कम एज के आते हैं, इसलिए निम्न सदन से कहा गया है। अस्थाई क्यों कहा गया है? भंग करना पॉसिबल है, आपातकाल में हटाना पॉसिबल है। आपातकाल भी 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, 352 जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, 56 राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, और 360 जो वित्त आपातकाल है। और जनप्रतिनिधि क्योंकि इसमें डायरेक्ट सीधे कौन चुनते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसके जो सदस्य हैं वो कौन चुनती है? जनता चुनती है, जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिन्हें हम सांसद या MP भी कहते हैं। और जनता के द्वारा चुनने के कारण ये सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए इसे जनप्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में आगे देखें तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें, अधिकतम सदस्यों, अधिकतम सदस्यों की बात करें तो ये संख्या है 552। कितनी है? 552। इसमें यदि मनोनीत की बात करें, मनोनीत सदस्य,
ये कितने होंगे? दो। दोनों ही जगह, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, मनोनीत कौन करते हैं? महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार करते हैं। और आपको नाम याद होना चाहिए, रामनाथ कोविंद साहब क्या है? भारत के राष्ट्रपति जी हैं। यहां एक आपको ध्यान रखना है, ये लोग कौन होंगे? एंग्लो इंडियन पर्सन होंगे, एंग्लो इंडियन पर्सन होंगे। अब वहां तो कौन थे? विशेष व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो समाज में खेल, शिक्षा, समृद्धि और भी बहुत सारे, चिकित्सा, इनमें अपना नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, वे व्यक्ति। यहाँ कौन है? एंग्लो इंडियन पर्सन, जिसमें माँ बाप में से कोई एक ब्रिटिश मूल नागरिकता का हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन पर्सन कहते हैं। अभी तो इनका मामला हटाई दिया गया 2020 बाद, लेकिन अपने को तो ये ध्यान रखना है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? 552 सदस्य हैं। मनोनीत कितने सदस्य होंगे? दो सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति जी महोदय के द्वारा होंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह। इसमें वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 545 वर्तमान सदस्य संख्या है, वर्तमान सदस्य संख्या है। तो चुनाव कितने पे होगा? 543 सीटों पर चुनाव होगा। राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? 25 सदस्य राजस्थान से जाते हैं, राजस्थान से जाते हैं। तो लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। और जनप्रतिनिधि सदन है, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। कितने सदस्यों को? दो सदस्यों को। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। इसमें से चुनाव कितने पर होता है? 543 सीटों पर होता है। 25 सदस्य कहां से आते हैं? राजस्थान से चुनकर आते हैं। और इसमें जो गोल्डन रेशियो, या यूं कहें सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 सदस्य है, 272, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 272, जब साथ देंगे ना तो ही क्या बनेगी? सरकार बनेगी, ऐसे भी याद रख सकते हो, 272। तो जब साथ देंगे सब मिलकर तभी क्या बनेगी? सरकार। तो 272 का जो आंकड़ा है, 272 का जो आंकड़ा है, वो भारत में सरकार बनाने के लिए क्या है? आवश्यक है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, 50+1 इसका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला 545 से सीधा ही निकाला जा सकता है।